हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों की दुआ से, अल्लाह पाक के रहम करम से हम लोग भी ठीक है। और आज हमारी शुरुआत हुई है ब्लॉग की ज़ोरदार कामों से। जी हाँ, मैं सारे कपड़े धुल चुकी हूँ और अब मैं इसे फैलाने पर आई हूँ विंडो पर। और इसके साथ साथ मैं घर के सारे काम कर लूँगी, जैसे डस्टिंग वगैरह, बेडशीट वगैरह सारे ठीक करके फिर मैं डायरेक्ट जाऊँगी लंच बनाने के लिए। और आज मेरी मॉर्निंग की बहुत ज़्यादा बिजी रूटीन है। और आज के ब्लॉग में ना आप लोग पूरा कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के ब्लॉग में बहुत सारी खास चीज़ें हैं। आपसे हमने बहुत सारी बातें की हैं वेट लॉस के टॉपिक पर, ऐसे भी बहुत सारी बातें की हैं। आज ब्लॉग में मस्ती धमाल सब होने वाला है, तो हमारे साथ कंटिन्यू लास्ट तक हमारे ब्लॉग में बने रहें। और यहाँ पे ये देखिए, हमारी ये शैम जो है ना, वर्कआउट वगैरह में लगे हुए थे और मैं उनसे पूछ रही थी कुछ काम की ही बातें, मैं बीच बीच में उनसे करते जा रही थी। वो शायद अभी कहीं निकलने वाले थे, तो उसी मैटर पे ना मैं पूछ रही थी। और अभी देखिए, अभी वो आपको थोड़ी देर के बाद गायब भी होते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि वो चले जाएंगे। मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक भी साथ साथ कंप्लीट कर ली थी फ्रेंड्स। अब मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी, जिसमें हमने सूखे मिर्ची और ज़ीरा का फ़ोरन डाला, तो वो मिर्च थोड़ा जल गया था फ्रेंड्स। फिर हमने अदरक लहसुन टमाटर सब पीस के, जो पाउडर मिर्चा वगैरह डाल के, धनिया वगैरह डाल के पेस्ट बनाया था उसे डाल दिया। उसको भुनने के बाद फिर से हमने टमाटर डाल के भुना मसाले को, उसके बाद हमने मटर डाल के भुना। फिर अब मैं बॉईल किया हुआ आलू डाल रही हूँ, इसको थोड़े से भूनूंगी, उसके बाद इसमें डायरेक्ट पानी डाल करके इसको, मतलब जितना हमें रस डालना रहेगा उतना लगा दूंगी फ्रेंड्स। और आज धनिया पत्ती भी घर में ख़त्म है, तो जो थोड़े बहुत धनिया पत्ती रहेंगे मैं उसी को काट के डाल दूंगी। और ये हमारी मज़ेदार सी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है, बस बहुत कम ऑयल। तो हमारा बन चुका है फ्रेंड्स, ये सब्ज़ी मटर आलू की, और यहाँ पे चावल चढ़े हुए हैं जो ये भी थोड़ी देर में हो जाएंगे। तो अब चलती हूँ रूम में, सुबह से कंटिन्यू काम कर रही थी और कपड़े वगैरह सब भी धुली हूँ आज मॉर्निंग से उठ करके। मैं बोली थी आप लोग से, बताई थी कि कई दिन के कपड़े हो गए, अगर अब नहीं धुलूँगी तो पहनना भी हमारा मुश्किल हो जाएगा। तो वो सब करने में आज टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। और बज गए हैं अभी 12, और 12 से भी शायद ज़्यादा, वही 12 सवा 12 के करीब हो रहा है। और मैं आ गई हूँ अब रूम में और पानी पीऊँगी, बीच बीच में भी हमने पानी पिया था। एक कमेंट आया है मुझे, जो कि है रितु चौहान आईडी से, और वो कमेंट मतलब इतना प्यारा कमेंट है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। उन्होंने लिखा है कि दी उनकी शायद बड़ी सिस्टर थी जो मेरे जैसी दिखती थी, मतलब होता है ना बहुत सारे लोग का फेस वगैरह थोड़ा सा ये सब मैच होता है, तो वो अभी इस दुनिया में नहीं रही, तो जब वो मुझे देख रही हैं देखी हैं तो उनको ना मतलब वो फील आ रहा है, तो उनको मैं उनकी बहन की याद मुझे देख करके आ रही है। तो ऐसा होता है डियर, मैं आपकी तकलीफ़ को समझ सकती हूँ, और आप भी ना मेरी छोटी बहनी की तरह, मैं भी आपकी बड़ी दीदी की तरह हूँ। मानने से होता है ना कि अगर आप मानो तो अपने रिश्ते भी पराए रिश्ते भी अपने हो जाते हैं, नहीं मानो तो अपने रिश्ते भी पराए हो जाते हैं। तो वही चीज़ है, आप अगर हमको मान सकती हैं अपनी दी, तो मैं भी आपकी दी की तरह ही हूँ। तो उन्होंने लिखा था कि दी आपको देख करके मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे मेरी दी है, उनसे आप बहुत मिलती जुलती हैं। तो ऐसा इत्तेफाक होता है ज़िंदगी में फ्रेंड्स। एक बार मेरे साथ भी हुआ था, जब 2 साल पहले मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी शैम के पास आने के बाद, तो शैम ने जब मुझे सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट किया था, तो उसी हॉस्पिटल में जो है ना, एक सामने मेरे बेड पे एक जो है ना फैमिली, जिनका भी कुछ भी प्रॉब्लम था, एक पेशेंट था, तो उनकी फैमिली से ना उनकी कोई भी रिलेटिव आई, वो सेम ना मेरे अम्मी के जैसी दिखती थी, मतलब सेम उसी तरह का चश्मा वगैरह वो लगा कर की थी, सेम मेरे अम्मी की तरह दिखती थी। मैं बेहोशी की हालत में जब हल्का सा होश आया ना, जैसे उन पर नज़र पड़ी ना, मैं क्या रोना चिल्लाना स्टार्ट कर दी, और उनको ना मैं अम्मी अम्मी बोल के डायरेक्ट बुलाना शुरू कर दी, क्योंकि एक तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं बेहोशी की हालत में थी, और जब वो मेरी अम्मी की तरह दिखी ना, तो मुझे लगा ना कि मेरी अम्मी मेरे पास आ गई हैं। तो वो मेरे पास आकर के एक दिन, जब तक वो अपने पेशेंट को छोड़ करके, अब वो कंटिन्यू मेरा सर सहलाना, मुझे प्यार करना, कंटिन्यू मुझे अपने हाथ से बिस्किट वगैरह खिलाने की कोशिश करना, क्योंकि मैं खाना वगैरह नहीं खा पा रही थी, और वो जब तक मुझे नींद नहीं आ गई, शाम तक मुझे नींद आई रिलैक्स में की, तब तक वो मुझे सहलाती रहीं, कभी मेरा हाथ सहला रही, कभी मेरा सर सहला रही, प्यार से मेरे सर पे हाथ फेर रही हैं। वो मतलब एक उस टाइम के लिए मेरे माँ की तरह मेरा केयर करने लगी, क्योंकि उनको ये चीज़ समझ में आ गया। शाम ने उनको बताया कि इनकी अम्मी जो थी ना नगमा की, वो आपकी तरह दिखती थी, इसीलिए वो आपको देख कैसे कर रही है। तो बहुत सारा प्यार उन्होंने उस टाइम मुझे दिया। तो फिर बाद में जब मैं रिलैक्स हुई, तब मुझे समझ में आया कि ये मेरी अम्मी की तरह थोड़ी दिख रही हैं, बट मेरी अम्मी नहीं है। तो वो चीज़ है, तो ऐसा होता है इत्तफाकन, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोगों के फेस थोड़े बहुत मिलते हैं। तो डियर, आप परेशान ना हो, उदास ना हो, अल्लाह की मर्जी है, सब अल्लाह पाक के हाथ में है, सबको एक ना एक दिन जाना है। आपकी दी बहुत प्यारी और बहुत अच्छी रही होंगी, अल्लाह को बहुत प्यारी रही होंगी, इसलिए अल्लाह ने उन्हें अपने पास जल्दी बुला लिया।
और आपको मैं अपनी दी अगर लगती हूँ तो ऐसी ही आप अपनी दी को जितना प्यार दे रही थी मुझे भी प्यार दीजिए। और जब भी कुछ अच्छा बुरा जो भी शेयर करने का हो मैं इंस्टाग्राम जल्दी ओपन करूँगी और आप लोग सबसे शेयर करूँगी, तो उस पर भी आप भी हमें ज्वाइन कर सकती है, आप हमसे हर एक चीज़ शेयर कर सकती है। तो अब मैं अपना ये पानी पूरा फिनिश कर लूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। आसमान दी ने हमें कमेंट किया था कि नगमा पानी दिन भर में कितना पिए, तो पानी कम से कम 2.5 से 3 लीटर ज़रूर पिए दिन भर में, वेट लॉस में काफ़ी फ़ायदा करता है और आपकी स्किन वगैरह सब अच्छी रहती है, मतलब शाइन रहती है, ग्लो रहता है स्किन पे। पानी की कमी से ही स्किन रुखी रुखी ड्राई ड्राई हमारी हो जाती है, खास करके वेट लॉस में हम लोग पानी का कमी अगर करते हैं तो ये ज़्यादा स्किन पर भी प्रॉब्लम करता है। तो आप पानी कम से कम 2.5 से 3 लीटर पिए, अगर आपका वेट ज़्यादा है मतलब बहुत ज़्यादा है तो फिर आप 3 लीटर से भी ज़्यादा 4 लीटर तक भी पी सकती है, नहीं तो 3 लीटर 2.5 लीटर तो एकदम पीना ही पीना है। आकांक्षा घोष ने कमेंट करके पूछा है कि दी मैंने बाहर का कल खा लिया है तो क्या उससे वेट बढ़ जाएगा, तो आप जिस दिन भी बाहर का खाएं या कहीं शादी पार्टी कहीं भी चले जाए जहां आप बहुत सारा जंक फूड ये वो खा लें तो आप क्या करें ना उसके नेक्स्ट डे ही सॉल्ट फ्री डे कर लें, तो वो ना आपका मतलब बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन आप सॉल्ट फ्री डे करेंगे ना वो आपका अच्छे से बॉडी को डिटॉक्स कर देगा तो आपका इससे वेट नहीं बढ़ेगा। आयशा ने मुझे कमेंट करके पूछा है कि उनका पीरियड आ चुका है तो उनका पूछना है कि दी क्या वो पीरियड में फास्टिंग कर सकती हैं, तो अगर आपको नॉर्मल पीरियड आ रहे हो आप कंफर्टेबल हैं मतलब ज़्यादा वीकनेस वगैरह नहीं लग रही है तो आप फास्टिंग करें, नहीं तो अगर आपको मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह है तो फिर आप फास्टिंग ना करें। जो चीज़ खाने पीने की चीज़ें हैं वो अच्छे से घर का बना हुआ खाना हेल्दी सा खाएं, आप थोड़ा गुनगुना करके पानी पिए, पीरियड में फ़ायदा करता है, हल्का गुनगुना बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा मुझे ना एक चीज़ की खुशी हो रही है कि न्यू आईडी से जो है ना आज बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम वो आईडी से आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं आप सब लोगों के ना कमेंट के रिप्लाई में नाम ज़रूर लूँगी। आप सब लोग ऐसे ही मुझे कमेंट करते रहें, प्यार देते रहें, सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो लोग हमारे चैनल पे नहीं हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाएं। आप लोगों के बहुत सारे ये कमेंट आते हैं कि वेट जो है ना अब कुछ हद तक मतलब लॉस हुआ, जैसे 4 kg 5 kg 6 kg जो भी, और अब नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ना हमने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, आप जाएँ मेरे चैनल पर, वहाँ से आपको मिल जाएगी, उसमें पूरे डिटेलिंग के साथ हमने शेयर किया है कि ऐसे वक्त में हमें क्या करना चाहिए जिससे आपका वेट 100% फिर से गिरना शुरू होगा, मतलब कम होना शुरू होगा। तो अब खाना का टाइम हो चुका है, शाम को आने में अभी काफ़ी टाइम है, वो अभी नहीं आएंगे, वो आएंगे शाम तक, तो मैं जा रही हूँ अपना लंच करने के लिए। और ऐसे भी मैं सोची हूँ कि पहले जैसे शुरू में मैं वेट लॉस में कर रही थी कि शाम के बिना भी मैं लंच कर लेती थी, अभी शाम के साथ कर लंच करने के चक्कर में फ्रेंड्स हर दिन मेरा खाना लेट होता है, हर एक दिन लेट होता है, मतलब सॉरी डिनर लेट हो जाता है, क्योंकि खाना मुझे खाने में 3 अगर बच जाते हैं तो फिर नाश्ता में 5 बच जाता है, अगर नाश्ता स्किप भी करती हूँ तो भी डिनर में फिर लेट हो जाता है, तो इससे ना वेट लॉस करने में मुश्किल आएगी, आप लोग सबको बोल रही हूँ। अब वेट लॉस नहीं भी कर रहे हैं जैसे मैं हूँ, अभी नॉर्मल पे हूँ, बस मेंटेन कर रही हूँ, थोड़ा बहुत हुआ तो हुआ नहीं तो मेंटेन कर रही हूँ, तो इस टाइम में भी ना आप खाने पीने की रूटीन नॉर्मली भी हमको सही रखनी ही चाहिए, 7-8 बजे तक लास्ट अपना डिनर कम्प्लीट करना ही चाहिए, हमेशा सोने से 3 घंटे पहले कम से कम हमें अपना डिनर कम्प्लीट कर लेना चाहिए। तो मैं जा रही हूँ अपने लिए खाना निकालने और फिर मैं आप लोगों से खाना लेकर के आके आप लोगों से डायरेक्ट मिलती हूँ। ये रही फ्रेंड्स आज की हमारी लंच थाली, जिसमें हमने लिया ये मटर आलू की सब्जी जो हमने बनाया है, और ये सैलड जो मैंने कल आपको बताया था ये शैम को बहुत पसंद आया था तो उन्होंने बोला आज भी बनाने के लिए, तो मैंने बना लिया, और ये कल वाली दाल, और देखिए मैंने कितनी सारी दाल भर के ली है, और ये चावल। तो इसी तरह से आप भी अपनी थाली लगाएं, अपने सब्जी सैलड और दाल से जो है ना आप अपनी क्वान्टिटी ज़्यादा कर लें और राइस थोड़े कम ले लें, तो इससे जो है ना आपका पेट अच्छे से फुल हो जाएगा और आपका वेट अच्छे से लॉस होगा। शाम अब आ चुके हैं और मैं तो खाना खा ली थी, अब वो खाना खा रहे हैं। कितना लेट से आए बताइए, आपके चक्कर में मुझे साथ में खाने के चक्कर में रोज़ लंच में सॉरी डिनर में लेट हो जाता है, लंच में लेट होता है बस डिनर में भी लेट, इसीलिए मैं पहले खा ली। अच्छा। और अब मैं ऐसा ही करूँगी नहीं तो फिर पता क्या किया है, पहले खाने के चक्कर में पूरा खा लिए, ऐसा मेरे लिए थोड़ा राइस बचा हुआ है, इतना सारा राइस। आपको और राइस चाहिए था, आपको और राइस चाहिए था। अच्छा ये बताइए, ये सैलेड आपको बहुत ज्यादा पसंद आया है ना? हाँ, ये वाला अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। वालेकुम सलाम, आ जाओ। वालेकुम सलाम, सब चप्पल अंदर करो। चप्पल अंदर करें। क्या हुआ दानिश? अरे दानिश
अभी हो रहा शाम का टाइम और मुझे हो रही है कुछ मीठा खाने की क्रेविंग, तो मैं ये पीनट को ना ऐसे छुड़ा ली हूँ। इसका चिकी बाइट मैं बनाऊंगी, पीनट चिकी जिसको बोला जाता है। और हमने ये देखो ये गुड़ भी बना लिया है, तो इससे बनाऊंगी ताकि जो है ना मीठे की क्रेविंग हो रही है, और मैं जो रोस्ट किए हुए पीनट रखती हूँ फ्रेंड्स, मैं उसी से बनाऊंगी। मैंने उसका छिलका उतार लिया था, उसका गुड़ कढ़ाई में रख करके उसको हमने अच्छे से भुना था, उसके बाद इसमें पीनट डाल करके और मैं इसे निकाल लूँगी। और जो जिस बर्तन में ढक्कन में मैं निकाल रही हूँ उसमें हल्का सा नीचे ऑयल लगा दूंगी ताकि ये आसानी से, देखिए उखड़ गया ना। किसने बुलाया? ये आपका, ये तो मेरा फेवरेट है, खा करके बताइए। अभी तो सॉफ्ट सॉफ्ट है ना, अभी थोड़ा ये बट ऐसा वाला आपको चुई करके खाने में अच्छा लगता है ना। अच्छा बना, आई एम फेल। ये टेस्टी बनता है, ठीक है। खाना तो अच्छा बनाती हूँ मैं, बहुत मस्त बना है, लेकिन ये तो मुझे जितना देखो उतना खाना है। नहीं ना मेरा, आप अपने हिस्से से खाइए। ये क्या किया है? ये मेरा छोटा है, इसका बड़ा है। कितना झूठ बोल रहा है, आपको सबसे बड़ा दूंगा। तो पहले बैठ लिया खाने थी। नहीं थोड़ा सा छोटा की हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपकी तरह नहीं हूँ। बदमाश बच्चा नंबर वन, बदमाश बच्चा नंबर टू। दो मिनट में पूरा खत्म करके खा। ले भाभी सब थोड़ा थोड़ा लीजिए, खाना ले खाया। चैलेंज कर रहा सो दे। जल्दी खाओ, इंसल्ट हो जाएगा, बेइज्जती हो जाएगा शायरा। फ्रेंड्स ये लोग चैलेंज कर रहे हैं, इन लोगों के लिए लाइक जरूर कीजिएगा। दो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने चैलेंज कर रहे हैं, देखा असमत, असमत का एक्सप्रेस। अब भाभी चैलेंज करेंगे, एक बार में पूरा भाभी। छोटा नहीं, नहीं बड़ा वाला, चीटिंग नहीं, एक बार में पूरा चीटिंग नहीं है वाला, ये वाला बड़ा साइज है, बड़ा बड़ा रहा है, सबको दिखाई दे पूरा एक बार में भाभी। भाभी एक्ट बड़े वाला हावर है, सक्सेस करो भाभी को, कम ऑन भाभी। चलिए आप भी खाइए, चलिए एक बार में आप भी। छोटा नहीं, छोटा नहीं, चटिल हो जाएगा। हाँ चलिए चलिए एक बार में। अरे भारती हासिस का ना करने नहीं आ रहा है। अभी हम लोग घर जा रहे हैं फ्रेंड्स, और ये देखिए शायद मुझे लेने के लिए आए हैं, और ठंडी से इनकी हालत खराब है, बाहर में बहुत ठंडी है, लेट हो चुका हम लोगों को जाने में। हेलो हेलो कुछ तो बोलिए। हाँ गई कभी अब कहाँ जा रहे हैं? खाना पीना हो चुका है हम लोगों का, मैं शाम के लिए आकर के तीन चार रोटी बनाई और उनको दे दी खाना। खाना तो आपने देखा ही, मैंने वहाँ दिखाया, वहाँ इतना भाभी जिद करके, मतलब उनको लाख बोलने पर भी वो नहीं मानी और जिद करके नाश्ता वगैरह निकाल दी, तो करना ही पड़ा। यही हो जाता है ना, जब हम डाइट करते रहते हैं, बाहर कहीं आना जाना हो जाता तो यही गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि सामने वाले लोग आप ये समझा नहीं पाते हैं कि भाई हम डाइट पे, उन लोगों को लगता है डाइट क्या, चलो खाइए, चलिए खाइए एकदम, क्योंकि ये उन लोगों का एक्चुअली प्यार ही रहता है। बट फिर भी तो एक कॉमेंट जो कि है, क्या नाम है, न्यू सब्सक्राइबर लग रहा है, अंचल पुंडीर नेम से है। सॉरी अगर आप मैं गलत बोल दिया तो आप कमेंट कर देंगे। हाँ। पुंडीर या पुंडीर प्रोनाउंस करने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। नगमा जी आप मिल्क कभी भी नहीं पीते क्या, और मिल्क को क्यों नहीं पीते, ये आपने वीडियो में जरूर बताना। नहीं ऐसा नहीं कि मिल्क नहीं पीती हूँ, एक्चुअली आती है थोड़ी सी मिल्क आती है, वो 250 ग्राम है ना, तो चाय वगैरह में यूज हो जाती है, चाय के पर्पस के लिए आता है कुछ। हाँ अगर ज्यादा आता है तो इंशाल्लाह जरूर पीऊंगी, और ज्यादा आएगा तो पीऊंगी। मिल्क पीना भी चाहिए, हर किसी को ना एक गिलास मिल्क पीना चाहिए, फायदा भी करता है बहुत ज्यादा। लेकिन ड्यूरिंग ये जो वेट लॉस जर्नी है आपका, उसके दौरान आप लो फैट मिल्क पे, लो फैट मिल्क का मतलब ज्यादा उसको बॉईल करके नहीं पिए, बहुत क्रीम करके नहीं बनाए, नहीं पिए, बस हल्का सा बॉईल दे दूध में और उसको बंद कर दे गैस को, फिर उस दूध को पिए। अभी विंटर टाइम है तो नाइट में आप सोने से पहले हल्दी उसमें हल्का सा डाल करके पिएंगे तो वेट लॉस में बहुत ज्यादा आपको फायदा करेगा और नींद भी अच्छी आएगी। मिल्क तो पीना अच्छी बात है।
तो और एक चीज मैं आप लोगों से बोल रही हूँ, कल इंशाल्लाह मैं कमेंट के रिप्लाई वीडियो करूंगी और इतने सारे जो भी कमेंट आए सबके मैं नाम लूंगी और आपके क्वेश्चन के डायरेक्ट, ऐसे तो जो हो सका मैंने ब्लॉग में। और एक चीज मैं आपको बस हम लोग बस एक रही कि हाँ संडे को नहीं आया क्योंकि संडे को भी हम बीमार थे, तो इस वजह से जब तक मेरा सपोर्ट नहीं मिलेगा नगमा को अकेले नहीं कर पाएगी, इसीलिए फोन भी उनका चाहिए थोड़ा, वो भी रहता है मजा भी आता है करने में, यार आप लोग खुद बोलते हैं पसंद करते हैं ना, इस चीज से आप लोग माइंड मत कीजिएगा। तो हम लोग कल इंशाल्लाह जरूर क्यों ना लेके आएंगे। हाँ तो आप लोग ये जो ब्लॉग जाएगा उसके बाद क्यों ना वीडियो इंशाल्लाह आएगा, मतलब एक से दो बजे के अंदर में आ जाएगा, तो आप लोग ना उसको जरूर वॉच करें और हमें ढेर सारा प्यार दे, जैसे हर ब्लॉग पे देते हैं वैसे उसमें भी प्यार दे। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करूंगी फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, दिन भर जो मैंने किया आप लोगों से शेयर किया और आप लोग सब कमेंट करके जो भी मुझे प्यार करते वॉच करते ये कमेंट कर रहे हैं कि दी आपका ब्लॉग बहुत अच्छा हमें लगता है, आप लोग को देखना अच्छा लगता है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच उसके लिए, और है ना बहुत ज्यादा शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। और दो तीन दिन मैं ज्यादा दिखा नहीं उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं बीमार था और थोड़ा बहुत कुछ काम रहता है। हाँ, तो थोड़ा उसमें भी शायद बिजी हो जाते हैं। तो आज का ब्लॉग अगर हमारा आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे, जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए आप लोग, और बस अब हम लोग और क्या मिलते हैं कल, और क्या और बस हम लोग भी बस थके हुए, हम लोग भी बस 10-15 मिनट बस हो जाएंगे, ये नहीं ये अभी एडिट करेगी अभी, बाकी मेरा अभी बहुत काम है, 2 बज जाता है 2:30 बज जाता है, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कोई नहीं कमेंट करना फ्रेंड्स, आप लोग इनके लिए तो कोई भी नहीं करना, मेरा मसल्स वगैरह दिख रहा है देखिए, तो देखो यहाँ पर पता है यहाँ पे इनका ऐसे छूने से ना लगता है कि जैसे एकदम कुछ हार्ड सा हड्डी है, इस तरह से मसल को वो स्ट्रॉन्ग कर लिए, मसल स्ट्रॉन्ग हो चुका है वहाँ का। मिलती हूँ अल्लाह हाफिज फ्रेंड।